ऋषिकेश में ऐसी कई गुफाएं भी मौजूद हैं जो किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं है। हम आपको ऋषिकेश की उन गुफाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। ऋषिकेश में स्थित किसी चर्चित गुफा की बात होती है तो सबसे पहले वशिष्ठ गुफा की बात होती है। कहा जाता है कि वशिष्ठ गुफा का इतिहास करीब 3000 साल से भी प्राचीन है। वशिष्ठ गुफा एक रहस्यमयी गुफा की मानी जाती है। इस गुफा को लेकर मान्यता है कि यहाँ आज भी भगवान राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ की आत्मा भटकती रहती है। सूरज ढलते ही इस गुफा के आसपास कोई भी घूमने की हिम्मत नहीं करता है। आपको बता दें कि यह गुफा भगवान राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ इसी जगह आराधना करते थे। नंबर 2, ऋषिकेश से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद बुधेर गुफाएं भी किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं है। इस प्राचीन गुफा को मियोला गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। बुधेर गुफाएं को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की चौड़ाई इतनी कम है कि बहुत मुश्किल से इसके अंदर कोई जा सकता है। कहा जाता है कि कई लोग इसके अंदर गए थे, लेकिन जैसे ही अंदर गए गुफा और भी अधिक गहरी होती गई। कुछ कदम चलने के बाद आगे कोई नहीं बढ़ता। आज भी शाम होते ही इस गुफा के अंदर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। ऋषिकेश में स्थित मौनी बाबा गुफा एक बेहद ही चर्चित गुफा मानी जाती है। मौनी बाबा गुफा को लेकर कई कहानियां चलती रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मौनी बाबा गुफा रहस्यमयी से भरी हुई है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह एक अध्यात्म केंद्र भी है। मौनी बाबा गुफा विदेशी पर्यटकों के लिए भी बेहद खास है। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ देशी पर्यटक ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए पहुंचते रहते हैं। हालांकि सूरज ढलते ही इस गुफा के आसपास कोई भी घूमने जाने की हिम्मत नहीं करता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।